होली का त्यौहार आते ही बाजारों में खास रौनक देखने को मिलती है। घरों की छतों पे जहाँ पापड़ बनने शुरू हो जाते हैं, तो वहीं बाजारों में भी तरह तरह की पापड़ों की दुकानें सज जाती हैं। कानपुर में भी होली के त्यौहार आते ही बाजारों में पापड़ों की दुकानें सज गई हैं। इस बार कई तरीके के पापड़ बाजार में हैं। लगभग 100 वैरायटी के पापड़ कानपुर के बाजारों में उपलब्ध हैं। इसमें आलू के पापड़ हैं, रवे के पापड़ हैं, साबूदाने के पापड़ हैं, तो वहीं इस बार अल्फाबेटिक पापड़ भी बाजार में हैं, जिनकी डिमांड बेहद खास है क्योंकि बच्चों को ये बेहद पसंद आ रहे हैं। इसके साथ आपको एनिमल किंगडम भी पापड़ों में मिलेगा, तरह तरह के जानवर पापड़ों में मिलेंगे। इसके साथ ही मकाई का पापड़ पहली बार आया है, अभी तक बाजार में मकाई का पापड़ नहीं आता था, पहली बार बाजार में मकाई का पापड़ भी देखने को मिला है। वहीं रेट की बात की जाए तो इस बार 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी रेट में हुई है। व्यापारियों को उम्मीद है कि इस साल अच्छा व्यापार होगा। होली का त्यौहार आते ही घरों की छत हो या फिर बाजार हो, पापड़ों से सज जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के गोविंद नगर इलाके में। यह बाजार है जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा तरह तरह के पापड़ बाजार में लग गए हैं। चाहे आलू के पापड़ की बात की जाए, चाहे चावल के पापड़ की बात की जाए, चाहे मैदा के पापड़ की बात की जाए, चाहे रवे के पापड़ की बात की जाए, तरह तरह के रंग बिरंगे पापड़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। लोगों का भी गजब का जोश पापड़ों की खरीदारी में देखने को मिल रहा है। वहीं इस बार बात की जाए खास की, तो इस बार मकाई का चिप्स आया है बाज़ार में, जो खास है। ये पहली बार चिप्स आया है बाज़ार में। हमारे साथ दुकान के मालिक मौजूद, हम इनसे जानेंगे इस बार कैसी बाज़ार से इनको उम्मीद थी और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। आपका नाम? सूरज। इस बार कैसा व्यापार में? काफ़ी रिस्पॉन्स है, 2 साल से पहले से काफ़ी रिस्पॉन्स है, अच्छा रिस्पॉन्स आया है इस बार पहले से। और काफ़ी वैरायटी के पापड़ अपने यहाँ साबूदाने के हैं, मकाई के लेटेस्ट पापड़ आए हैं, मकाई मक्का आया है, मकाई कुरकुरा है, मकाई क्रैक्स आया है, मकाई का ओएस आया हुआ है आपका, और ये नई चीज़ आई है हल्दीराम की, स्माइली में आया हुआ है इसका, आपका भूत आया है, सॉफ्टी आई। लेटर वाले अक्षर वाले पापड़ है, उनकी कैसी डिमांड है? बढ़िया बढ़िया, काफ़ी हद तक हर दिन बिक रहा है, 10-15 किलो डेली का डिमांड है उसकी। रेट की बात की जाए तो रेट जो कितने फर्क, 10 से 15 रुपये किलो अंतर आया है हर माल में। बीते सालों में देखा गया, 2 साल से कोविड का असर बाजार में पड़ रहा था, माल बिक नहीं रहा था, इस बार कैसा रिस्पॉन्स? उससे अच्छा रिस्पॉन्स है इस बार, 2 साल से काफ़ी करोड़ का अच्छा से। ये हमारे साथ सूरज मौजूद थे जो बता रहे थे किस प्रकार से जो 2-3 सालों से कोरोना की मार बाजार पर थी, जिस वजह से होली के रंग हमेशा फीके पड़ रहे थे, लेकिन इस बार होली के रंग बेहद चटक और चमकीले हैं। बाजार में अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। व्यापारियों को उम्मीद है कि इस साल होली में व्यापार भी अच्छा होगा। मैं अखंड प्रताप सिंह, न्यूज 18 कानपुर।